स्टूडेंट हेयर योर टीचर भावना कम्स विद अ न्यू टॉपिक जॉइंट्स एंड देयर टाइप फ्रॉम योर चैनल एडुबंच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड इफ़ यू वॉन्ट द वीडियो ऑफ योर चॉइस सो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट। सो इफ वी आर सेज अबाउट द जॉइंट, सो वॉट इज अ जॉइंट, द क्वेश्चन कम्स इन आर माइंड। सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि जॉइंट है क्या। जॉइंट आर द प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टू मेक द मूवमेंट पॉसिबल। जॉइंट वो जगह होती है जो आपको, जहाँ पर आके आपके दो बोन्स जुड़ती हैं और इस तरह जुड़ती हैं कि बॉडी में मूवमेंट आ सके। जैसे आपकी फिंगर्स है, ये फिंगर्स है, यहाँ से आपकी फिंगर अटैच हुई है और अब यहाँ पर आपकी फिंगर्स को मूवमेंट मिल रही है, तो ये जगह जो है वो जॉइंट्स हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू द टाइप ऑफ जॉइंट्स। देर आर मैनी टाइप ऑफ जॉइंट्स, बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स होते हैं, तो हम अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर द जॉइंट्स वेयर द राउंड एंड ऑफ द बोन फिट इन टू द कैविटी ऑफ अदर बोन। इट प्रोवाइड द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन फाउंड इन अ हिप एंड शोल्डर। सो यहाँ पर आपकी बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है उसमें आपकी एक बोन जो होती है वो कैविटी बनाती है और दूसरी बोन आकर राउंड होती है और उस कैविटी में फिट हो जाती है। और ये जो फिट होने के बाद हर डायरेक्शन में आपको मूवमेंट देगी, जैसे आपका शोल्डर। अब यहाँ पे एक बोन कैविटी है और दूसरी बोन उसमें आके फिट हो गई है। कैविटी मतलब होती है खाली जगह, होलो जगह में आके फिट हो गई है। अब आपकी शोल्डर जो है, आपने देखा होगा आपका जो कंधा होता है उसको आप चारों तरफ मूव कर सकते हैं, अप डाउन भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, आप थ्री डायमेंशनल आप उसके मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉइंट है आपका पाइवोटल जॉइंट। ए पाइवोटल जॉइंट इज वेयर सिलिंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग ऑल टू बेंच द रिंग। अब यहाँ पे बात आती है रिंग, एक होलो बोन होगी उसके अंदर दूसरी सिलिंड्रिकल बोन फिट होगी। मान लो ये आपका हो गया आपकी बैकबोन जो आपके स्कल से यहाँ अटैच है, और यहाँ पर ये जो है अब आपको चारों तरफ मूवमेंट देगी पर एक फिक्स अमाउंट में देगी। ये नहीं कि आप बिल्कुल गर्दन को आप नीचे लटका, नीचे हेड को डाउन कर सकते हैं, पर ये नहीं कि हेड को बिल्कुल हम बैकवर्ड करके बिल्कुल बैक कमर से लगा देंगे, नहीं, ना हम इतना बैक कर सकते कि हमारा हेड कमर से लग जाए, बट हाँ हम उसे पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक मूवमेंट तो मिलेगी, लेफ्ट राइट मिलेगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड मिलेगी, पर 360 डिग्री पर नहीं मिलेगी। आप चाहें बिल्कुल आपका हेड कमर से लग जाए तो वो कभी नहीं होगा। अब नाउ नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट। द जॉइंट ब्रिंग द मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फ्रो डायरेक्शन लाइक अ नीज एंड एल्बो। अब ये जो जॉइंट है आपका केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। जैसे आपका ये डोर है, आप डोर को ओपन कर सकते हैं, फिर डोर आके क्लोज हो जाएगा। डोर को एक ही डायरेक्शन में आप डोर को मूव कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारे जैसे एल्बो है, हम एल्बो को इस तरह से मूव कर सकते हैं, पर हम चाहें हमारी एल्बो बैक साइड में मूव हो जाए तो हमारी एल्बो बैक साइड में मूव नहीं होती। सेम हमारे नीज के साथ होता है, तो नीज और एल्बो में हमारा हिंज जॉइंट होता है। नाउ फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट्स आर दीज दोज जॉइंट आर इनमूवेबल जॉइंट्स। हमारे फिक्स जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो इनमूवेबल होते हैं, वो किसी भी तरह से मूव नहीं करते, बिकॉज द बोन्स आर जॉइंट टूगेदर फाउंड इन अ स्कल। और ये जॉइंट जो होते हैं हमारे स्कल में पाए जाते हैं, अपर जाओ, हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा होता है जैसे हमारे स्कल के साथ फिक्स होता है। हम सोचते हैं बोलते वक्त कि हमारा ऊपर वाला जबड़ा हिल रहा है, बट बेसिकली वो नीचे वाला जाव है हमारा जो मूव करता है, ऊपर वाला नहीं करता। तो इस तरह के जो आपके